इस वक्त की बड़ी खबर, मेघालय के शिलांग में पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाने पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की है इस मौके पर उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा, सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में विकास कार्यों को बढ़ावा दिया, राज्यों के बीच सीमा विवाद सुलझाया गया। पीएम ने कहा कि अब दंके की चोट पर बॉर्डर पर निर्माण कार्य किया गया है। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारें बॉर्डर्स पर निर्माण का काम नहीं कराती थी, लेकिन आज दंके की चोट पर सीमा पर निर्माण का कार्य हो रहा है। क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई, लेकिन आज दंके की चोट पर ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बॉर्डर पर नई सड़कें, जो भी आवश्यक है एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई भतीजावाद, हिंसा, प्रोजेक्टों को लटकाना भटकाना, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। कोई खेल भावना के विरुद्ध, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए, तब से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को लेकर के खास ध्यान दिया और उत्तर पूर्व में विकास की कई परियोजनाओं की शुरुआत की, और यही वजह है कि उनकी पार्टी बीजेपी उत्तर पूर्व के कई राज्यों में सरकार में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया आज जो खास कार्यक्रम था, इस दौरान 6,800 करोड़ की परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।